बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से और महफूज होंगे। हमारा आज का नया सबक है हर्फ चे। आज हम हर्फ चे को पढ़ेंगे और सीखेंगे। हर्फ चे, ये बिल्कुल हर्फ जीम की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर तीन नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? तीन, दो एक साथ और एक इनके बीच में। इसको हम हर्फ चे पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए, चे चूजा, चे चाय। हर्फ चे, दो नुक्ते एक साथ और एक उनके बीच में, हर्फ चे। आइए अब हम हर्फ चे से शुरू होने वाली तस्वीर को पढ़ते हैं। ये क्या है? ये चिड़िया है, चे चिड़िया। ये क्या है? ये चाबी है, चे चाबी। ये क्या है? ये चप्पल है, चे चप्पल। ये क्या है? ये च्योटी है, चे च्योटी। आइए एक दफा फिर से पढ़िए, चे चिड़िया, चे चाबी, चे चप्पल, चे च्योटी। आइए अब हम हर्फ चे को लिखने की मश्क करते हैं। आपको अपनी वर्कबुक पर इस तरह ट्रेसिंग दी गई है। हर्फ चे की बनावट हर्फ जीम के जैसी होती है। स्टार्टिंग पॉइंट, पेंसिल रखिए यहाँ पे, मेरे साथ साथ बनाइए इस तरह। लेकिन हर्फ चे में तीन नुक्ते होते हैं, दो एक साथ एक उनके बीच में, हर्फ चे। आइए अब हम पिछले पढ़े हुए हुरूफ को दोहराते हैं। अलिफ अंगूर, अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलिफ मद आ, आम आड़ू, आग आरी, बे बिल्ली, बे बकरी, बे बत्तख। बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे, पे प्याला, पे पत्ता, पे पानी। पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? हर्फ ते, ते तरबूज, ते तितली, ते ताला। ते के बाद टे, टे टमाटर, टे टोकरी, टे टोपी। टे के बाद हर्फ से समर। से के बाद हर्फ जीम आता है, हर्फ जीम, जीम जैकेट, जीम जूता। जीम के बाद चे, हर्फ चे, चे चाकू, चे चाबी, चे चांद। आइए अब हम तमाम हरूफ को मिलाकर पढ़ते और याद करते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे।
इस तरह हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ।